हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीवन फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 10 फैक्ट्स हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड बताएंगे जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को कहीं बीच में छोड़िएगा मत। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1। ये फैक्ट आपको ज़रूर हैरान कर देगा। कॉफ़ी के बारे में आप लोगों को पता होगा, कॉफ़ी एक ऐसा चीज़ है जिसके हम सभी मोहताज हैं। कॉफ़ी पीने के बाद सबको एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, पर कॉफ़ी शरीर के लिए हानिकारक है। ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। पर मैं जो बोलने वाला हूँ ये उसकी अच्छी गुण के बारे में है। उसका अच्छा गुण यह है कि कॉफ़ी पीने से आदमी डिप्रेशन मुक्त होता है। बेसिकली जो व्यक्ति दिन को 4 कप कॉफ़ी पीते हैं उनका डिप्रेशन रिस्क 20% कम मिलता है। जो लेडीज़ दिन को 2 बार कॉफ़ी पीते हैं उनका चांस ऑफ सुइसाइड कम होता है। यह बात हार्वर्ड स्कूल ऑफ रिसर्च में पता चला है। दैट्स अ गजब फैक्ट, इजंट इट? तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। तो ये है फैक्ट नंबर 2। च्युइंगम्स तो आप सभी खाते होंगे, पर ये बच्चों का फेवरेट चीज़ है। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से पता चला है कि आप जितना च्युइंगम चबाएंगे आपका दिमाग उतना अलर्ट रहेगा, और तो आपका थकना भी मिट जाएगा। आपका मेमोरी 35% तक बाद जाएगी 35% तक बाद जाएगी। स्पेशली दोपहर में हमारा दिमाग अलर्ट नहीं होता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए परेशान की बात है। उनके लिए यह तरीका मददगार होगा, जिससे उनका स्ट्रेस और एंजाइटी और थकान दूर हो सकता है और मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको अच्छा लगा था। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, और यह है फैक्ट नंबर 3। ये फैक्ट सारे ऑफिस में बैठकर काम करने वाले लोगों की काम का आएगा। तो ऑफिस में बैठकर काम करने वाले लोग सावधान हो जाइए। सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च से ये पता चला है कि ऑफिस में लगातार 10 घंटे बैठकर काम करने वाले लोगों की डेथ रिस्क 48% बढ़ जाता है। हुई ना हिला देने वाली बात। चिंता मत कीजिए, इससे बचने का भी तरीका है। इससे बचने के लिए आपको अपनी वर्किंग आवर से सिर्फ 5 मिनट्स ब्रेक लेकर चलना पड़ेगा, और ये काम आपको हर दिन करना पड़ेगा। और एक बात, ऑफिस में लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। तो आशा करता हूँ ये फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट फैक्ट पे, और ये है फैक्ट नंबर 4। ये फैक्ट रुपीज़ के बारे में है। आजकल मनी विड्रॉ करने के लिए ATM मशीन्स का यूज़ किया जाता है, पर यह जानकर आपको शॉक लगेगा कि पब्लिक टॉयलेट जितना गंदा होता है, ATM मशीन भी उतना ही गंदा होता है। बेसिकली ATM कीबोर्ड्स और टच पैड बहुत गंदा होता है, क्योंकि लोग ये सब चीज़ों को बिना हाथ धोए टच करते हैं। इसीलिए इन चीज़ों में कुछ जाने माने बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसीलिए ATM जाने से पहले हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करके ही ATM से पैसा उठाइए। तो आशा करता हूँ ये फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, जो कि है फैक्ट नंबर 5। कि ये फैक्ट आपके हार्ट के बारे में है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्च से ये पता चला है कि अगर एक हार्ट पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को लेकर सीरियस है, वो हर महीने डॉक्टर के पास अपना चेकअप सही से कराता है, तो उसका लॉन्गजीविटी ज़्यादा होता है और सफरिंग भी कम होता है। तो आशा करता हूँ ये फैक्ट आपको मतलब कुछ काम का आएगा। तो चलिए हम हमारे अगले फैक्ट पे चलते हैं, जो कि है फैक्ट नंबर 6। ये फैक्ट ज़रा सा ध्यान से सुनिए। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिससे आपका दिमागी संतुलन हिल जाता है। आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर सुन्न पड़ जाती है, और आप
चाहके और आप चाह के भी अभी कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बचने का एक उपाय अभी अभी पता चला है। इससे बचने के लिए आपको एक ग्रीन एप्पल स्पेल करना हो पड़ेगा। हुई ना गजब बात, लेकिन ये सच है। और एक बात ये है, ग्रीन एप्पल स्मेल करने से हेडेक बंद हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, और यह है फैक्ट नंबर 7। ये थोड़ा अलग फैक्ट है। ओटावा यूनिवर्सिटी के मुताबिक अगर आपको गर्मी हो रही है तो ठंडा होने के लिए आपको गर्म चीज़ पीना पड़ेगा। रिसर्च के मुताबिक अगर गर्म चीज़ पीते हो आपका बॉडी में ज़्यादा स्वेट क्रिएट होता है। पहले तो आपको ज़ोर से गर्मी लगेगी, बाद में ठंडी लगेगी। एक बार ट्राई करके देखना, अगर मज़ा नहीं आया तो बताना। तो आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, फैक्ट नंबर 8। ये फैक्ट थोड़ा अलग है पिछले वाले फैक्ट की तरह। अगर आप थक गए हो तो आपको और एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा होता है। वो और एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन का सिंथेसाइज होता है, ये आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट पे, जो कि है फैक्ट नंबर 9। ज़्यादातर लोग सोचते हैं योगा करने से स्टोमैक फ्लैट होती है, पर असल में ये एक मिथ है। अगर आपको स्टोमैक फ्लैट करना है तो स्विस बॉल, प्लैंक, बोट पोज और स्किपिंग जैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये आपके पेट स्टोमैक को फ्लैट बनाता है। तो आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट पे, जो कि है फैक्ट नंबर 10। आज के लोग ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करते, पर इंडियन यूनिवर्सिटी के रिसर्च से पता चला है कि लिखने से नोट्स याद रह जाते हैं, और लिखने से मेमोरी को बूस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर नोट्स बुला रहे हैं तो आपको उसे केयरफुली पढ़ना है, और उसे ट्रांसलेट भी करना पड़ता है। तो इस तरह से दिमाग को याद रखने में आसानी होती है। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। जय हिंद।